नमस्कार छात्रों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह स्वागत करता हूं। आज हम सब कोर्स कोड 504 के तहत प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या प्रस्तुतिकरण विधि पर चर्चा करेंगे। समस्या प्रस्तुतिकरण नए नए प्रकारों के समस्याओं को बनाने या उसी समस्या का पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया है, अर्थात यह समस्याओं के अंदर समस्याओं को खोजने की प्रक्रिया है और इसी दौरान हम उस समस्या को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। वर्तमान में इस विधि का काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इस विधि के द्वारा छात्र में स्वयं समस्या को बेहतर ढंग से पहचान कर उसे सुलझाया जाता है। जब भी छात्र समस्या को अपना समझते हैं, समस्या की खुद पहचान करते हैं, तो वह उसमें पूरे आनंद के साथ सम्मिलित होकर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। समस्या का सूत्रीकरण उसके समाधान से कहीं ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इससे छात्रों में प्रायोगिक कौशल का संरचना होती है। जब बच्चे समस्या का खुद से संरचना करते हैं, उसका सूत्रीकरण करते हैं, तो अवश्य ही वे समस्या को पहचानते हैं। इस प्रकार जब छात्र समस्या को स्वयं पहचानते हैं, तो उसमें सम्मिलित होकर उसे बेहतर ढंग से हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आइंस्टाइन एंड इनफील्ड ने 1938 में कहा है, नए प्रश्नों का निर्माण, नए संभावनाओं की तलाश, पुराने प्रश्न को नए नज़रिए से देखना रचनात्मक कल्पना पर आधारित है एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। अर्थात जब हम प्रश्नों के अंदर नई संभावनाओं को खोजते हैं, जब उनमें नए नए प्रश्नों का निर्माण करते हैं, तो अवश्य ही यह हमारी सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और उसके साथ साथ हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होती है। समस्या समाधान की प्रक्रिया में हम समस्या प्रस्तुतिकरण की अनदेखी कर देते हैं, जबकि वास्तव में समस्या प्रस्तुतिकरण को भी महत्व देना आवश्यक है। ज़्यादातर यह देखा गया है विद्यालयों में समस्या को दिया जाता है और उसके लिए सूत्र दिए जाते हैं, जिसको बच्चे अनुसरण करके उस समस्या का हल निकालते हैं। किंतु अगर इसके बजाय समस्या प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाए, उसे समझा जाए, उसमें विभिन्न समस्याओं की पहचान की जाए, तो अवश्य ही वह उनके समस्या समाधान की प्रक्रिया में मददगार साबित होगा। एक समस्या को यदि हम समझना चाहें, तो चार्ल्स एंड लेस्टर द्वारा उसे इस तरह परिभाषित किया गया है। एक समस्या उस कार्य की भांति है जिसके लिए व्यक्ति जिसे वह कार्य मिला है उसके समाधान के लिए तत्पर होता है। व्यक्ति को समस्या के समाधान के लिए कोई पहले से बनाया प्रक्रिया उपलब्ध नहीं होती है, अर्थात वह आरंभ से ही उस समस्या के समाधान की तरफ प्रेरित रहता है। व्यक्ति उसके सुलझाव के लिए विभिन्न प्रकार के समाधान विधियों का प्रयोग करता है। समस्या प्रस्तुतिकरण को ब्राउन एंड वाल्टर ने 1993 में इस तरह परिभाषित किया कि समस्या प्रस्तुतिकरण गणित पाठ्यचर्या की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एवं यह प्रत्येक गणितीय गतिविधि का एक प्रमुख अंग भी है। सिल्वर ने 1994 में समस्या प्रस्तुतिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है कि समस्या प्रस्तुतिकरण नए समस्याओं के संरचना एवं ऐसे प्रश्नों जिससे वर्तमान परिस्थिति को और बेहतर ढंग से समझा जा सके एवं समस्या के समाधान के दौरान उसके समस्या के पुनर्निर्माण के कौशल को दर्शाता है। ब्राउन एंड वाल्टर द्वारा समस्या प्रस्तुतिकरण का एक और परिभाषा उपलब्ध है, जिसे हम इस तरह देखते हैं। छात्रों की समस्या प्रस्तुतिकरण की स्वतंत्रता उनमें विभिन्न प्रकार के सोच, उनमें समस्या समाधान कौशल, उनके गणितीय समझ एवं गणितीय अवधारणों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही समस्या प्रस्तुतिकरण छात्रों के पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षक पर निर्भरता को कम करती है और उन्हें शिक्षा के साथ बेहतर ढंग से जोड़ती है। अर्थात जब बच्चे समस्या को स्वयं प्रस्तुत करते हैं, तो वे उस समस्या को समाधान करने में स्वयं सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार वह शिक्षक पर उनकी निर्भरता कम होती है और वे स्वयं समस्या के हल में भली भांति जुड़ जाते हैं। छात्रों को समस्या प्रस्तुतिकरण का मौका देने से उनमें चिंतन एवं परावर्तन का भाव का विकास होता है। जब शिक्षक के जगह छात्र समस्या प्रस्तुत करते हैं, तो उनमें समस्या को लेकर स्वामित्व का भाव विकसित होता है और ज्ञान को अर्जित करने में वे रुचि के साथ मेहनत करते हैं। कनिंघम 2004 में समस्या प्रस्तुतिकरण के बारे में बताया है कि समस्या प्रस्तुतिकरण विधि से छात्रों के जिज्ञासा का काफ़ी विकास होता है और वे काफ़ी मन लगाकर गणितीय अधिगम में सम्मिलित होते हैं।
समस्या प्रस्तुतिकरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके अंदर व्हाट इफ नॉट स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ही आवश्यक है। ब्राउन एंड वाल्टर ने 1993 में समस्या प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में यह सुझाव दिया है कि समस्या प्रस्तुतिकरण एवं समस्या पर समाधान के द्वारा गणित शिक्षा में क्या हो अगर नहीं रणनीति का प्रयोग किया जाए। यह सुझाव इस बात पर आधारित है कि किसी समस्या से संबंधित आयामों या गुणों को यदि थोड़ा बदल दिया जाए तो इससे बहुत ही खोजी प्रकार के समस्याओं का जन्म होता है जो काफ़ी रुचिकर जाँच के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात अगर किसी समस्या में कुछ फेरबदल किया जाए, उसके विभिन्न आयामों को थोड़ा बदल दिया जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार के समस्याओं की पहचान की जा सकती है और उन समस्याओं की पहचान के द्वारा हम मूल समस्या का समाधान हासिल कर सकते हैं। क्या हो अगर नहीं रणनीति या व्हाट इफ नॉट स्ट्रैटेजी तीन सिद्धांतों पर काम करता है। पहला, समस्या से संबंधित आयामों को तय करना। दूसरा, क्या हो अगर नहीं रणनीति का प्रयोग करना। एवं तीसरा, इससे संबंधित नए प्रश्नों का निर्माण करना। यह छात्रों में विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर चर्चा करने के लिए मौका प्रदान करता है। अर्थात इसमें जब हम समस्या को लेते हैं तो उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के बदलाव लाकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो अगर नहीं रणनीति, अर्थात अगर उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए, अगर उसके कुछ पक्षों को जोड़ा या घटा दिया जाए तो उस समस्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार इससे समस्या को हम बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और इस प्रकार छात्र इन विभिन्न समस्याओं के समाधान के द्वारा मूल समस्या को हल कर पाएंगे। गणितीय समस्या प्रस्तुतिकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं। इन परिप्रेक्ष्यों के समझने से हम समस्या प्रस्तुतिकरण की विधि को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पहला परिप्रेक्ष्य है समस्या प्रस्तुतिकरण की रचनात्मक गतिविधि या असाधारण गणितीय क्षमता की विशेषता। अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरण स्वयं में एक रचनात्मक गतिविधि है और इसके द्वारा बच्चों में विभिन्न प्रकार की गणितीय क्षमता का विकास की संभावनाएं निहित है। समस्या प्रस्तुतिकरण का दूसरा परिप्रेक्ष्य समस्या प्रस्तुतिकरण की पूछताछ उन्मुख या इंक्वायरी ओरिएंटेड निर्देशन की विशेषता है। अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरण स्वयं में ही पूछताछ उन्मुख निर्देशन को बढ़ावा देता है। इसमें बहुत सारे प्रश्नों के पूछने, उनके जवाबों को ढूंढने और इस प्रकार उस समस्या को हल करने की विशेषता दिखती है। इसका तीसरा परिप्रेक्ष्य समस्या प्रस्तुतिकरण में गणितीय गतिविधि की प्रमुखता की विशेषता। अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरण में हमेशा ही विभिन्न प्रकार के गणितीय गतिविधि शामिल होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार के गतिविधियों के साथ हम उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर अन्य परिप्रेक्ष्यों को देखा जाए तो समस्या प्रस्तुतिकरण का छात्रों में समस्या समाधान को बढ़ाने की विशेषता भी दिखती है। अर्थात जब छात्र समस्या प्रस्तुतिकरण के द्वारा गणित सीखते हैं तो उसके द्वारा वे विभिन्न प्रकार के समस्याओं के समाधान को बढ़ाने में भी अग्रसर होते हैं। अर्थात उनमें समस्या समाधान के कौशल का विकास होता है। इसके साथ साथ समस्या प्रस्तुतिकरण की छात्रों की गणितीय समझ को परखने की विशेषता भी सामने दिखती है। अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरण के द्वारा हम छात्रों की गणितीय समझ को परख सकते हैं। वे कितना गणित जान रहे हैं, वो गणित में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनमें गणित सीखने में क्या क्या त्रुटियाँ उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार हम उनकी गणितीय समझ को परख कर उन्हें उपयुक्त निर्देशन द्वारा उनकी गणितीय अवधारणाओं को समझ को और मजबूत कर सकते हैं। समस्या प्रस्तुतिकरण की छात्रों में गणित के प्रति अभिरुचि में विकास करने की विशेषता। अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरण के द्वारा छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने की विशेषता है। छात्र जब स्वयं से समस्या प्रस्तुत करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं गणित के प्रति रुचि का विकास होता है। वे गणित को पसंद करते हैं और उस तरह वह समस्याओं को अपना कर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। समस्या प्रस्तुतिकरण के कुछ आधारभूत सिद्धांत भी हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत है समस्या प्रस्तुतिकरण छात्रों के समस्या समाधान प्रक्रिया से प्रेरित होना चाहिए। अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरण हमेशा से ही किसी न किसी समस्या के समाधान की तरफ अग्रसित होना चाहिए।
कभी भी हम समस्या प्रस्तुतिकरण इस तरह से उलझाया हुआ नहीं बना सकते जिसमें कि हम समस्या के साथ साथ विभिन्न प्रकार के समस्या उत्पन्न करते रहें और मूल समस्या का समाधान तक नहीं पहुंच पाए। अर्थात इसमें हमेशा यह सोच होनी चाहिए कि किस तरह मूल समस्या का समाधान निकाला जाए। इसमें दूसरा सिद्धांत है, प्रतिदिन की गतिविधियों एवं गणितीय परिस्थितियों में समस्या का सूत्रीकरण होना चाहिए। अर्थात हम समस्या प्रस्तुतिकरण में जिन समस्याओं को अध्ययन करें, जिन समस्याओं को सीखें, वो हमारे दैनिक जीवन या छात्रों के दैनिक जीवन से प्रेरित होने चाहिए। इससे छात्र उसमें रुचि के साथ जुड़ पाएंगे और उन समस्याओं के समाधान के द्वारा वो अपने दैनिक जीवन के विभिन्न गणितीय समस्याओं या गणित से जुड़े समस्याओं को भी हल कर सकेंगे। समस्याओं के प्रस्तुतिकरण में विभिन्न प्रकार के उदाहरण या विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरण के समय हमें विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा पहले बच्चों को इस विधि की विशेषताओं को समझाना चाहिए, जिससे कि वह इस विधि का प्रयोग कर सकें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकें एवं स्वयं ही इन प्रश्नों का हल करते समय धीरे धीरे मूल समस्या के हल तक पहुंच सकें। एक उत्कृष्ट समस्या प्रस्तुतिकरण विधि में हम क्या क्या रणनीतियां अपना सकते हैं, किन किन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जिसके द्वारा हम बेहतर समस्या प्रस्तुत कर सकें, उनमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं जिसके द्वारा हम नए प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हम इस समस्या को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इससे प्रेरित होकर प्रश्न पूछना, क्या हम एक दूसरी समस्या को प्रस्तुत कर सकते हैं, हम इसके कितने हल निकाल सकते हैं, इस समस्या में कौन कौन से प्रमुख विचारों को प्रस्तुत किया गया है, हमने इसी प्रकार के विचार और कहाँ देखे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्या हम इन जानकारियों को किसी अन्य प्रकार से प्रयोग कर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, क्या हमारे पास इस समस्या को समाधान करने के लिए पर्याप्त जानकारियाँ हैं, अगर हमें यह जानकारी नहीं दी जाती तो हम किस तरह की समस्या तक पहुँचते हैं, हम किस प्रकार इनमें से कुछ जानकारियों को बदल सकते हैं, तब यह समस्या क्या हो जाएगी। इस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम विभिन्न प्रकार के समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं और मूल समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्या प्रस्तुतिकरण के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिसमें किलपैट्रिक के 1987 में दिए गया दृष्टिकोण प्रमुख है। उन्होंने बताया कि किसी भी समस्या के समाधान के दो चरण हो सकते हैं, एक जिसमें कि नए समस्या की रचना की जाए और उसमें जानबूझकर कुछ शर्तें या परिस्थितियों में बदलाव किए जाएं जिससे यह पता चले कि नई समस्या क्या होगी, और दूसरा जब कोई समस्या हल हो गई है तो उसे पलट कर यह देखा जाए कि अगर उसमें विभिन्न बदलाव किए जाएं तो उसके समाधान पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न लेते हैं हम, जैसे कि राम एवं उसके पिता की आयु का योग 35 है, यदि पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुनी हो तो राम एवं उसके पिता की आयु क्या होगी। यह प्रश्न जब छात्रों के सामने रखा जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव कर समस्या को समाधान करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राम एवं उसके पिता की आयु का योग अगर 40 हो, या यदि पिता की आयु बेटे की आयु से 5 गुनी हो, या अगर उनके आयु का योग अभी 40 है तो 2 साल बाद उनके आयु का योग क्या होगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न पूछ कर हम धीरे धीरे इस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ स्टैनोव ने 1996 में समस्या प्रस्तुतिकरण के अपने दृष्टिकोण को दिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की पूछने की संभावनाएं बताई गई हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, मुक्त प्रकार के प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चन, समस्या से मिलते जुलते प्रश्न, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, समस्या के समाधान से मिलते जुलते प्रश्न, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, उस समस्या से संबंधित सिद्धांत से मिलते जुलते प्रश्न, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द थ्योरीज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, किसी दिए गए चित्र या आरेख से संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पिक्चर्स और ग्राफ। इसी प्रकार किसी दिए गए समस्या से नए समस्याओं का सूत्रीकरण किया जा सकता है और इसी के साथ जीवन के विभिन्न परिस्थितियों से जुड़े हुए प्रश्नों का निर्माण भी किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति ने 350 रुपये में साइकिल खरीदी और एक साल बाद उसे अपने दोस्त को बेच दिया, इस परिस्थिति को अगर छात्रों को दिया जाए और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, जिससे उनमें समस्या की पहचान, समस्या को प्रस्तुत करने, समस्या को हल करने इत्यादि कौशल का विकास हो सके, करने की ज़रूरत है। इस परिस्थिति में हम निम्न प्रकार के कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि दिए गए परिस्थिति को एक गणितीय समस्या का रूप दें, अर्थात इस परिस्थिति को एक गणितीय समस्या के रूप में तैयार करें। और इसी के साथ एक और प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दिए गए परिस्थिति से संबंधित तीन प्रकार के प्रश्नों को तैयार करें, अर्थात इसी परिस्थिति से मिलते जुलते किन्हीं तीन और परिस्थितियों का निर्माण करें और उससे फिर प्रश्नों का निर्माण करें। इस तरह हम देखते हैं कि समस्या प्रस्तुतिकरण गणित सीखने में छात्रों की बहुत मदद कर सकता है। तो विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने समस्या प्रस्तुतिकरण विधि के बारे में चर्चा प्रस्तुति की। इसी के साथ हम लोगों ने देखा कि समस्या प्रस्तुतिकरण क्या है, समस्या प्रस्तुतिकरण के परिप्रेक्ष्य क्या हैं, समस्या प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत क्या हैं, समस्या प्रस्तुतिकरण में किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार समस्या प्रस्तुतिकरण के द्वारा गणित में विभिन्न समस्याओं के हल को निकाला जा सकता है। आशा है आप सभी को यह चर्चा पसंद आई होगी और आप इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।